मैडम एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई है, मैं अभी ऑर्डर नहीं ले सकती, आप किसी और को दे दें। जी नहीं 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 मैं 1 महीने बाद कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। जी अभी नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने मैडम को मना क्यों किया? 40,000 किराया देना पड़ेगा इसलिए। आंटी को मेरी जरूरत है इसलिए। अम्मा के लिए मुलाजमा रख दूंगा मैं, तुम अपना काम करो और आपा भी अपनी नौकरी संभाले। किसी के एहसानों का बोझ नहीं उठा सकता मैं। और दूसरों को जिम्मेदार जरूर रखना चाहती हूँ। हर वक्त एहसान एहसान की रट लगा रखी। तुम्हें मां को खोने का हौसला नहीं है और मैं अपनी मां कैंसर की जग में खो चुकी हूं। मैं जानती हूं मां के बगैर घर कब्रिस्तान और जिंदगी वीरान हो जाती। एक वाहिद रिश्ता है जो बेलौस होकर दुआओं के लिए हाथ उठाता है। मैंने आंटी को नहीं गिराया और ये बात अपने अमल से मैं साबित करके रहूंगी। और हाँ, अब्बा को बता देना कि अभी कमरा नहीं चाहिए मुझे। और एक और बात, आंटी का बीपी स्टेबल नहीं है, पैर की तकलीफ की वजह से उन्हें टेम्परेचर भी है, तो बेहतर होगा कि तुम किसी डॉक्टर को बुला लो, ठीक है? मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम्हारा भाई तुम पर चिल्लाया। तुमने सुना था ना? हाँ बस थोड़ा सा ही, लेकिन हाँ मुझे गुस्सा बहुत आया। अगर मेरे सामने होता ना तो मुंह तोड़ देता मैं उसका। कितने अच्छे हो ना फसी, जब से मेरी जिंदगी में आए हो हर जख्म पे मरहम लगाते जा रहे हो। मैं नहीं बल्कि तुम बहुत अच्छी, और अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। खैर अब ये रोने धोने वाले दिन खत्म हो गए और अच्छे और मोहब्बत भरे दिन शुरू होने वाले। एक चीज है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये तो वही है ना? नहीं वही नहीं बल्कि उस जैसी। उस दिन जब ये रिंग तुमने अपने हाथ में पहनी, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि एक न एक दिन तुम्हारे लिए ये रिंग खरीदूंगा जरूर। थैंक यू। ऐसे नहीं, थैंक यू तब कबूल करूंगा जब ये रिंग तुम मुझे पहनाने की इजाजत दो। सोच लो। Thank you.
हमारी मोहब्बत की निशानी है। ख्याल से रखना। यहाँ रख दे बेटा। बहुत दर्द, आये बहुत दर्द है। हाय हाय अल्लाह। बहुत दर्द है।